नंदा देवी कर्जा ली थी कुछ मनी, किससे ली थी? बैंक से ली थी। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जो बोली है तो बोल दिया। रेट कितना दे रहा है? 8% दे रहा है। रेट कितना दे रहा है उसको? 8%। तो कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना? 2496। तो बोल रहा हाउ मच मनी शी हैड लेंडेड, वो आखिरकार ली थी कितना है? वो पैसा क्यों ली थी? क्योंकि बोल दिए सम ऑफ मनी, कुछ ली थी, बोली नहीं कितना ली, बोले कुछ पैसा ली थी जिसका साल में 2 साल के लिए ली थी, जिसका बोल रही सिर्फ उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 2496 देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 2496। रेट है 8 रुपये के हिसाब से। कितना? 8 रुपये के हिसाब से। तो आखिरकार वो कितना ली होगी पैसा? तो देखते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6.1 है, 6.1 है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 6.1 का कितना नंबर है? 6 नंबर है। बोल दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2496। रेट कितना दिया है? 8% पर एनम साल का। टाइम कितना दिया हुआ? 2 ईयर्स दिया हुआ। टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल। प्रिंसिपल कितना होगा मालूम नहीं, प्रिंसिपल कितना होगा मालूम नहीं, प्रिंसिपल कितना है दिया नहीं है। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करिएगा? हम लोग पुराना वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन में सीखे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या सीखे थे बोलिएगा? P into बोलिए 1 plus R by 100 power n minus 1, ये रहा ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट कर दिए। आप देखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा 2496 है। उसके बाद यहाँ देखिएगा पी कितना दिया हुआ है, तो पी नहीं दिया हुआ, पी कितना है? नहीं दिया हुआ, पी कितना है? नहीं दिया हुआ। तो यहाँ देखिएगा आपका 1 दिया हुआ है और प्लस रेट का वैल्यू कितना? 8% बाई 100 पावर क्या होगा बोलिएगा? पावर 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि टाइम जितना दिया रहेगा उतना चुपचाप बैठा देंगे और माइनस 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला वैसे उतरेगा 2496 इजिकल टू पी, ये ब्रैकेट दिए यहाँ एलसीएम लिए, ये देखिए ये अंदर में एलसीएम ले रहे हैं, 100 एलसीएम होगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 8 बचेगा, माइनस 1 देंगे, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है? ये पावर जैसे वैसे लिख देंगे, एकदम गौर से देखेगा 2496 इजिकल टू पी इंटू क्या हो गया यहाँ पे, ये ब्रैकेट ऐसे रखेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे, 100 + 8 कितना होगा? 108 होगा, बाय 100 होगा, इसका स्क्वायर है माइनस 1 है। क्लियर है? मतलब था 2496 है ना, ये इजिकल टू दिए, ये पी दिए। बचपन में आप सीखे थे, क्या सीखे थे? कि स्क्वायर जब रहेगा तो इसको 2 बार लिख देंगे, क्यूब रहेगा तो 3 बार लिख देंगे, तो जब स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे इसको? 2 बार। 108 by 100 into 108 by 100 ये माइनस 1, ये स्क्वायर का झमेला हटा। अब 100 याद रखेगा, 2496 इजिकल टू पी, ये ऐसे किए, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 108 से करेंगे तो कितना होगा वो आप लोग याद करिएगा, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 108 को 108 से करेंगे तो कितना होगा? तो 1 बोलिएगा 1164, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा यहाँ पे, तो क्या लिखे? 108 को 108 से स्क्वायर, यानी डायरेक्ट पूछा जाए तो 108 का स्क्वायर कितना? 1164। और नीचे क्या हो जाएगा? 2027 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 होगा, माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे तो बोलिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे बोलिएगा? पी इन टू यहाँ पे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 10,000 है ये, 10,000 कैंसिल हो जाए, ये जो 10,000 है ना, तो 10,000 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 11664 माइनस, यहाँ पे 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 10,000 बचा, तो यानी कि इसको इससे माइनस करिएगा, 2496 इजिकल टू पी इंटू, इसको इससे माइनस होगा तो क्या बचेगा? इसको इससे माइनस होगा तो क्या बचेगा?
तो यहाँ देखिएगा इसको इससे माइनस करिएगा तो 11664 में से कितना माइनस करिएगा, 10,000 माइनस करेंगे, कितना करेंगे तो बचेगा 1664, तो यानी आएगा 1664/10,000। ये बचा, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला चीज़ को यहाँ लिखेंगे 2496 = पी इन टू क्या था 1664 बाय नीचे क्या था बोलिएगा 10,000 था ना। अब उसके बाद इसको चीज़ को इधर लाएंगे, ये वाला चीज़ को इधर लाएंगे, यहाँ इधर आएगा जो इधर आएगा जो, तो ये हो जाएगा पी इन टू 1664 बाय नीचे क्या होगा बोलिएगा 10,000 = ये वाला इधर आएगा। याद रखिएगा जब पूरा का पूरा इधर इधर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, जब एक नंबर होता है तो साइन चेंज होता है। तो ये पूरा इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ इसको ऐसे रखेंगे, ये वाला क्या करेंगे पी का निकालना है आपको, पी फोर क्या होता है, पी फोर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग 2496 लिखे, और ये वाला नंबर जब उधर जाएगा ना तो याद रखिएगा ये पलट जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 10,000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1664। अब यहाँ पर से चाकू लीजिएगा, इसको काटिएगा, तो कैसे काटिएगा देखिएगा, यहाँ देखिए ये चार से काटेंगे, चार चौके सोलह याद रखिएगा, ये चार से कट रहा है, चार चौके सोलह, ये चार एक कम चार तो छः में से चार गया तो दो बचा, दो इसमें आएगा, चार छक्के चौबीस, चार छक्के चार चौके सोलह, गौर से देखिएगा मैन खेला इसी में, यहीं पे गलती होता है इसलिए गौर से देखिएगा, चार चौके सोलह, चार एकम चार और दो इसमें गया तो चौबीस हुआ, तो चौबीस चार छक्के चौबीस, यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर में काटेंगे चार से, तो देखिए चार दूनी आठ और दो इसमें गया तो चार पंचे बीस और दो जीरो उतर गया। अब आप उसके बाद देखेंगे किससे काटेंगे आप इसको, तो अगर दो से कटेगा तो काट सकते, दो से कटेगा तो काट सकते, तो देखिए दो एकम दो, दो दुनी चार, एक इसमें गया दो पंचे दस जीरो आया, ये कटेगा दो से दो दुनी चार और क्या होगा ये जीरो बैठाएंगे और दो अट्ठे सोलह, क्योंकि दो नंबर जब एक साथ रहेगा तो हम लोग एक जीरो लेंगे पहले। अब फिर से काटेगा दो छक्के बारह, दो दुनी चार, एक इसमें गया दो पंचे दस, ये होगा दो एकम दो जीरो, दो चौके आठ, यहाँ तक क्लियर है। ये 625 को ऐसे छोड़ देंगे, 625 को ऐसे छोड़ेंगे, अब इसको इससे काटेंगे, तो देखिए दो पंचे दस, दो दूनी चार, यहाँ काटिएगा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो अटे सोलह, यहाँ तक क्लियर है। फिर काटेंगे, क्या काटेंगे दो दूनी चार, क्या काटेंगे दो दूनी चार, दो छक्के बारह, ये काटिएगा दो छक्के बारह, दो दूनी चार, दो चौके आठ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दो एकम दो, दो तीया छः, और यहाँ पे काटिएगा दो तीया छः, दो एकम दो, दो दुनी चार, तो यहाँ गौर से कर देखिएगा एकम तेरह, तेरह लास्ट में पूरा से काट रहे, तेरह कम तेरह, और इसको काटिएगा तो तेरह दुनी छब्बीस, तो इकतीस में से छब्बीस जाएगा तो कितना बचेगा पाँच बचेगा, कितना बचेगा पाँच बचेगा, तो पाँच उसमें जाएगा तो बावन होगा, तो तेरह चौके बावन, तेरह चौके बावन, तो याद रखिएगा ये वाला कितना हुआ, ये आपका कितना बचा 625 और यहाँ बचा कितना 24, हम लोग का P इक्वल टू क्या हुआ ये 24 इंटू यहाँ 625, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हम लोग का 15,000 आएगा, ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। होता है गलती काटने में, ध्यान से काटिएगा, और ये सम को शुरू से बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट वाला बार बार बनिएगा ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। चालीस